मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारी लास्ट क्लास है शुद्ध वर्धनी की, जिसमें मैंने आपको दो क्लासों में ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिए हैं। ठीक है, कौन सा आप कर सकते हो, कौन सा आपको पता है, कौन सा जो शब्द है ठीक है आप अपने जीवन में यूज़ करते हो, जिसको आपने एक से लेकर के 12 BA MA जब तक जहाँ तक भी आप पढ़े हो आपको पता है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं पता है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि हाँ आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको नहीं पता होगा, इसमें आपको समस्या आ सकती है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से शुद्ध हैं, कौन कौन से अशुद्ध हैं, कौन कौन से आपको नोट करने हैं, कौन कौन से नहीं नोट करने हैं, कौन कौन से आपको पता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज हमारी लास्ट क्लास है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्लास अच्छी लगेगी तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल हम टेस्ट लेंगे आपका, तो तैयार रह जाइएगा। ठीक है, चलिए तो आ गया कि अमावस्या। देखिए बहुत लोग ये जो अमावस्या है एक तरीके से गलत लिखते हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, कैलाश ये भी बहुत लोग गलत लिखते हैं, इसको भी नोट करना है, क्योंकि कैलाश ऐसे कोई नहीं लिखता, सब लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो आपको कैलाश को भी नोट कर लेना है। कोसी, ये देखिए कोसी को भी आपको नोट करना है, इसमें भी गलतियाँ होती हैं। तपस्या आपको पता होगा, नमस्कार भी पता होगा, पुरस्कार भी पता होगा, प्रसन्न, प्रसाद, ये सब आपको पता होंगे। लेकिन ये जो अमावस्या, कैलाश, कोसी, ये आपको नोट करना होगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है बांस, बांस भी आपको पता होगा, विकास भी पता होगा, सौसु भी, संकट भी, सारांश, ये आपको लिखना होगा, इम्पॉर्टेंट है। सुनसान, सुनसान भी आपको लिखना है, बहुत लोग गलत लिखते हैं। सुशोभित, ये आपको पता होगा लेकिन बहुत लोग गलत लिखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। समस्या, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, तो जो भी मैं कह रहा हूँ कि एक तीर का निशान बना रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इसको लिखिएगा, तो आप उसको नोट करिएगा, उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा, और जो कह रहा हूँ कि आपको पता होगा वो आपको, मुझे 99.9% विश्वास है कि वो आपको ज़रूर से वो चीज़ें पता होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया कि अक्स, देखिए अक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अजब, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अजब जो है वो लोग ऐसे ही लिखते हैं, बहुत लोग तो अजब ऐसे लिख देते हैं, अजब हो गया, क्योंकि ये गलत है, टोटली गलत है ये तो। ठीक है, तो हमारा जो सही वाला अजब है वो ये वाला है। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लेना है, अजब गजब प्रेम कहानी एक तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जाजीस, इसको भी नोट करिएगा, ये थोड़ा सा अरबी और एक तरीके से अरबी और फारसी में, जैसे कि आपको टेस्ट में बताता, ऐसे वर्ड है। ठीक है, ये नए एक तरीके से शब्द है। ठीक है, अदालत, ये भी बहुत लोग गलत लिखते हैं, मान चलिए कि 99% लोग गलत लिखते हैं, अदालत ऐसे ही लिखते हैं बहुत लोग, ऐसा कोई भी अदालत नहीं लिखता है, कहीं पर भी आप देखोगे नहीं कि किसी ने ऐसे अदालत लिखी हो। ठीक है, लेकिन जो सही होता है ना वो अदालत यही वाली सही होती है, इसको भी नोट करिएगा। अकबर, ये आप सही लिखोगे, अक्सर भी सही लिखोगे, अदावत ये भी सही लिखोगे, अपमान, अमानत, ठीक है, अमानत भी आप सही लिखोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है, लिखा हुआ है आजम, आजम भी आप लोग गलत लिखते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, तालीम भी लिख लीजिएगा, मासूम ये भी लिखिएगा, शेर ये भी लिखिएगा। ठीक है, सभी लोग ऐसे ही शेर लिखते हैं, मासूम भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन देखिए शेर ये वाला सही होता है, जो आपको परीक्षा में सही करवा सकता है क्वेश्चन वो ये है। ठीक है, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में तो ऐसे ही शेर लिखते हो ना, मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ ऐसे, लेकिन जो शेर है वो इस तरीके से होता है, से फिर यहाँ पे फिर रहा, इस तरीके से सही होता है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो परीक्षा में काम आती हैं। ठीक है, तो देखिए आपको नॉर्मल लाइफ से क्या लेना है, आपको परीक्षा कैसे भी करके पास करनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, तो इन चारों को नोट कर लीजिएगा। आवारा, ये आप सही लिखोगे, कामयाब, जागीर, तासीर, ये सब सही लिखोगे आप।
ठीक है। यहाँ पे देखिए है तवक्को, इसको भी आपको लिखना होगा, इसको भी लिखना होगा। तलता, मिश्रा, ये सो जो भी बहुत सारे कठिन वर्ड हैं, ठीक है। मुलम्मा, इसको भी लिख लीजिएगा। जफा, ये भी लिखना होगा। लम्हा भी लिखना होगा। वफा भी लिखना होगा। और सफ़ेदा भी लिखना होगा आपको, ठीक है। ये सारे शब्दों को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए है क का, यहाँ पे कलम है, तो कलम को आपको लिखना होगा। बहुत मैं खुद ऐसे ही कलम लिखता हूँ ऐसे, ठीक। मैंने कभी भी यहाँ पे बिंदी नहीं दी हुई है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड को तैयार करना है, ठीक है। अपने प्रेजेंट लाइफ में तो आप कलम इस तरीके से ही लिखोगे, मुझे पता है, हमेशा लिखोगे, लेकिन ऐसे कभी नहीं लिखोगे। लेकिन यही सही होगा, आपको जो नंबर दिलाएगा ना यही वाला दिलाएगा, ठीक है। कहर भी लिखिएगा, कुर्बान, ये भी आपको लिखना होगा। कैद, ये आप लिखिएगा। कमाल, ये लिख लोगे। कमज़ोर भी लिख लोगे। किताब भी लिख लोगे। कोहराम भी लिख लोगे, ठीक है। नुक्ता, ये आपको लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। बकाया, इसको भी नोट करिएगा। वक्ता को भी नोट करिएगा। शौकीन को भी नोट करिएगा। अक्सर आपको पता होगा। मुकम्मल भी पता होगा। वकील भी पता होगा। हकीम भी पता होगा। इश्क, इश्क तो लोग ऐसे ही लिखते हैं जैसा कि अशुद्ध में लिखा गया है, ठीक है। तो इश्क को भी आपको नोट करना है। तारीका, तरीका है, तरीका में सब लोग तरीका ऐसे लिखते हैं, मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे बिंदी जो है वही हमारी एग्ज़ाम में हमको नंबर दिलवाएगी, तो इसलिए तरीका को भी आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मजाक भी आपको लिखना पड़ेगा। और मौका, इसको भी लिख लीजिएगा बुक में, कॉपी में अपने। ऐनक, आपको पता होगा। खुराक भी पता होगी। दस्तक भी पता होगी। और मालिक भी पता होगा आपको। देखते हैं खाको बारे में। ख्याल, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको कॉपी में नोट करना है। खानम को भी नोट करना है। खारिज, खुद, ये सब नोट करना है। खजूर, आपको पता होगा। खानदान, सॉरी खदान है, खतौनी है, खुन्नस, ये सब आपको पता होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आपको नोट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि अखबार। अखबार लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे कोई भी ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे लिखते हैं अखबार, यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में पास करना है तो हमें अखबार इस तरीके से सही बना लिखना होगा, जो कि एग्ज़ाम में हमें नंबर दिलाएगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, इन सबको। दस्तखत, दाखिल और बर्खास्त, ये चारों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपी में। चखना, ये आपको पता होगा। चीखना, देखना, सीखना, ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट है तारीख। तारीख भी सब लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगी वो ये, इसलिए आपको कॉपी में नोट करिएगा, इसको भी नोट करिएगा। चक, चीख, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वर्तनी का, ख़त्म होने वाला है। कल इसका टेस्ट होगा, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया। नेक्स्ट है कागज। तो कागज आपको जो एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगा वो ये वाला दिलाएगा। ऐसे सभी लोग ऐसे ही लिखते हैं कागज़ को, मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में नंबर आपको दिलाएगा वो ये वाला कागज़ दिलाएगा, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी में नोट करना पड़ेगा। गज़ल को भी, गलत को भी, गुलाम, नगमा, पैगाम, बगैत, सौगात, अगर आपको याद हो सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो आपको नोट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए गर्दिश है, तो ये आपको पता होगा। गुजारिश भी, गुनाह भी, गुमराह भी, चारागाह भी, जागीर, यादागार, सौदागर, ये सब आपको पता होगा। देखिए कहीं कहीं पे ये चीज़ें लिखी होंगी तो आपको लगेगा ये शुद्ध है कि शुद्ध, इसी में बहुत लोग मार खाते हैं। मान चलिए कि 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत लोग एक ही नंबर करते हैं, बहुत लोग तीनों गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सब चीज़ें अच्छे तरीके से देखनी पड़ेगी, ठीक है। चराग है, इसको भी नोट कर लिया कॉपी में। दिमाग, वालिक, सुराग, ये सबको नोट करना है। गंदगी आपको पता होगी। तंग, तंग, पारंगी,
ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए है अशुद्धि, जहीन जाहीन, ठीक है, जहीन और जाहीन में अंतर है, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, इन चारों को, जमीन जब्त जुल्म, ये जंग जंगल जन्नत जहन्नम, ये सब आपको पता होगा ऑलरेडी। देखिए पता तो आपको ये भी है, ये भी वाला आपको पता है, लेकिन आप ये वाला लिखते हो ना अशुद्ध वाला, ठीक है, तो इसलिए गलती हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इख्तियार, इसको भी आपको नोट कर लेना है, इन चारों को भी, ठीक है। इजहार, खंजर, मस्जिद, मौजूद, ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट है महाज, महाज जो कि आपको पता होगा, इसको आपको पता होगा। जहाज, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये भी और ये भी। नाराज और फयाज, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। घड़ी साज, ये भी आप लिख लीजिएगा। जाल साज, ये भी लिखना पड़ेगा। जस्तजू, ये भी लिखना पड़ेगा, और हर्जा भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फकीर, ये आपको पता होगा। फना, ये आपको लिखना पड़ेगा, फारसी भी लिखना पड़ेगा। फवारा, ये आपको पता होगा। फलूदा भी पता होगा, फुलकारी भी आपको पता होगा। तो आज की जो क्लास में मैंने जो आपको बताए, क्या आपको पता है, क्या आपको लिखना है, सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कल हमारा हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, तो क्लास को मत छोड़िएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। आज हमें कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी जो कल है क्लास होगी, वो होगी इम्पॉर्टेंट टेस्ट की, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।